दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई खबर आपके लिए लेके आई है। यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसमें डिविडेंड और रिजल्ट को लेके न्यूज़ सामने आने वाली है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एंजल वन की एप्लीकेशन पे आते हैं और एप्लीकेशन पे आने के बाद उस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, यह स्टॉक आपको अपने एंजल वन की वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए जिसमें यह न्यूज़ आने वाली है। तो हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट पर क्लिक किया है और यहाँ पे जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं यह TTK प्रेस्टीज नाम से यह कंपनी है। इस समय शेयर प्राइस चल रहा है 670 पे चल रहा है। जैसे ही स्टॉक में यह न्यूज़ आई तो स्टॉक में हमें लगभग 2% से ऊपर के अपसाइड हमें देखने को मिले। इस कंपनी में डिविडेंड और रिजल्ट को लेके अनाउंसमेंट आने वाला है और यह इसके लिए जो डेट शेड्यूल की गई है यह 25 मई की डेट शेड्यूल की गई है, मतलब कि 25 मई से पहले पहले ये इस स्टॉक में हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टॉक के ऊपर। जैसे स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे स्टॉक डिटेल और चार्ट आता है। तो सबसे पहले हम चार्ट का एनालाइज करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आई तो इसने हमें अपसाइड के साइन भी देखने को मिले। अब यहाँ पे स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 675 के आसपास का, अगर ये रेजिस्टेंस को कल के ट्रेडिंग सेशन में होल्ड करता है या यह स्टॉक 670 के ऊपर ट्रेड करता है तो हमें स्टॉक में अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक हमें जो पहला रेजिस्टेंस है ये 700 से लेके 718 तक के हमें प्राइस दिखा सकता है, ये तो अपसाइड के लिए। स्टॉक ये वाले रेजिस्टेंस को लेकर नीचे की ओर स्लिप होता है तो वापस से हमें जो डाउनसाइड के सपोर्ट है ये 650 से लेके 630 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमें इस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बाय ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑर्डर विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम सिंपली 10 क्वांटिटी में अगर ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 मेंशन करेंगे और यहाँ पे जो मार्जिन लगने वाला है 10 क्वांटिटी में ये लगेगा 6790.50 का लगेगा। अगर आप एंजल वन की मार्जिन फैसिलिटी का यूज़ करते हैं जिसमें आपको यहाँ पे 3x तक के मार्जिन मिल रहा है तो इस बॉक्स के ऊपर चेक मार्क करना होगा। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो जो अमाउंट हमें 6000 प्लस का लग रहा था वो अब हमें ओनली 2045 का लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 10,000 से कम का मार्जिन यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे 10,000 प्लस का मार्जिन यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 49 रुपीज़ पर डे आपको देने होंगे। यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करना है, कंफर्म ऑर्डर पे प्रेस करना है। अभी मार्केट ऑफ है इससे हमारा जो ऑर्डर है ये आफ्टर मार्केट लगेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर है सबमिट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो हमें हमारी पोजीशन यहाँ से स्क्वायर होके एक मतलब कि कंप्लीट होके हमें पोजीशन में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, इतना इजी इतना आसान होता है एंजल वन एप्लीकेशन में ऑर्डर लगाना। इसके साथ ही अगर आप स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो स्टॉक डिटेल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको फंडामेंटल का बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कंपनी का मार्केट कैपिटल, कंपनी का सेक्टर पता चल जाता है कि एक डोमेस्टिक अप्लायंस के सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। कंपनी 9,327 का मार्केट कैपिटल रखती है। 1 ईयर में 16.5 का नेगेटिव रिटर्न दिया है, सेक्टर में 14.07% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साथ ही इसका फंडामेंटल रेशियो पे हम नज़र डालते हैं तो PE रेशियो का 33.80 पे है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.717 पे है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.52% की है और ROC 31.34% है, ROE 13.14% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पे सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। FIIs ने 0.05% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। म्यूचुअल फंड ने 0.38% से अपनी होल्डिंग को घटाया है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और अगर हम देखते हैं अदर DIIs ने 0.01% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और नॉन इंस्टीट्यूशन ने 0.31% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। तो आपने देखा कि कितना ईजी कितना आसान है एंजल वन एप्लीकेशन में स्टॉक का एनालिसिस करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। और अगर आपने अभी तक के अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा देने नहीं होते हैं, साथ ही आपको 1 ईयर का MC चार्जेस बिल्कुल फ्री रहता है। तो देना करें आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।